दोस्तों नमस्कार, मैं एडवाइस फ्लो चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं राज किशोर। आज हम तुम्हें बताएंगे एक ऐसे बिजनेस आइडिया के बारे में जिसको आप 50 से 60 हजार रुपया इन्वेस्ट करके शुरू करके और महीना में लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों हो सकता है आपको बिलीव नहीं होता होगा, आप इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा सकते हैं। आपको हम आगे प्रूफ दिखाएंगे, प्रूफ के साथ आपको दिखाएंगे कि आप किस तरह से इस बिजनेस से लाखों रुपया कमा सकते हैं। दोस्तों इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बिजनेस में आप एक ही मशीन से कई तरह का प्रोडक्ट जो है तैयार आप कर सकते हैं और मार्केट में सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको एक बात बता दें कि अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन होगा, उस पर जरूर क्लिक करके सब्सक्राइब कर ले और राइट साइड में वेल का आइकन आएगा उस पर जरूर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे इस चैनल पे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। तो दोस्तों चलिए अब बात कर लेते हैं कि ये बिजनेस क्या है। दोस्तों ये बिजनेस जो है प्रिंटिंग का बिजनेस है। आपको ब्लैंक चीज खरीदना है और उस पर प्रिंट करके और मार्केटिंग करना है, यानी उसे सेल करना है। जैसे कि हम आपको इससे पहले दो वीडियो बनाए थे, एक मोबाइल कवर प्रिंटिंग का और दूसरा मग प्रिंटिंग का। तो उस दोनों वीडियो में जो है हम आपको सिर्फ यही, जैसे मोबाइल कवर प्रिंटिंग वाला में सिर्फ मोबाइल कवर प्रिंटिंग के बारे में बताए थे और मग प्रिंटिंग वाला में मग प्रिंटिंग के बारे में ही पूरी डिटेल से बताए थे। लेकिन आपको हम इस वीडियो में एक ऐसी मशीन के बारे में बताएंगे जिसमें आप कई तरह का प्रोडक्ट प्रिंट कर सकते हैं और उसे मार्केटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको हम इस वीडियो में कुछ प्रोडक्ट को प्रिंट करके बताएंगे किस तरह से उसे प्रिंट किया जाता है, उसमें कितना टेम्परेचर सेट करना है, कितना टाइम सेट करना है, ये सब आपको हम बताएंगे, इस मशीन को कैसे ऑपरेट करना है। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसमें कौन कौन से मशीन और कौन कौन से रबरल की जरूरत होती है। तो दोस्तों आपको इसमें एक 3D सब्लिमेशन प्रिंटर की जरूरत होती है, सॉरी 3D सब्लिमेशन मशीन की जरूरत होती है और एक ठो सब्लिमेशन प्रिंटर का जरूरत होता है और सब्लिमेशन पेपर जिसपे प्रिंट करने के लिए, इसके बाद सब्लिमेशन टेप चिपकाने के लिए, इसके बाद उस मशीन में जो है डाई लगता है, अलग अलग चीज को प्रिंट करने के लिए अलग अलग डाई लगता है। इसके बाद जिस चीज पे आपको प्रिंट करना है वो बस इतना ही चीज का जरूरत आपको होता है प्रिंट करने। अगर आपने नहीं देखा है मेरा पिछला वीडियो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम उस वीडियो का लिंक दे देंगे, वहां आप जाकर और उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें हम बताए हुए हैं कि दिखाए हुए हैं कौन क्या है, उसे आगे हम इसमें बताएंगे। दोस्तों देखिए ये जो आप देख रहे हैं अभी स्क्रीन पे, ये 3D सब्लिमेशन मशीन है, इसी से हम प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों चलिए अब प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। शुरू से आपको बता देते हैं कि कौन से प्रोडक्ट पे कैसे प्रिंट करना है। दोस्तों सबसे पहले हम आपको रॉक स्लेट पे प्रिंट करके दिखाते हैं। दोस्तों देखिए ये 3D सब्लिमेशन मशीन है, इसी से प्रिंट करना है। तो सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं और इसमें 195 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर सेट करना है और इसके बाद 8 मिनट इसमें सेट करना है, यानी टाइम 8 मिनट और टेम्परेचर 195। इसके बाद इसको हटाना है और इसमें डालना है वो जिस चीज को हम प्रिंट करना चाहते हैं वो चीज। तो दोस्तों देखिए उसमें हम इस तरह से डालेंगे और उसमें जो है फोटो जो है ऊपर से लगा देते हैं इस तरह से, देखिए ना ऊपर से रख दिए फोटो और उसको ढक दिए। ऊपर से जो सफेद कलर का वो है उसका नाम है सिलिकॉन शीट, है ना। अब इसके बाद हम यहाँ जो साइड में वैकम बटन है उसको क्लिक करते हैं, उसमें जब क्लिक करते हैं यानी दबाते हैं तो वो सॉफ्ट हो जाता है, कूल डाउन हो जाता है। इसके बाद चारों ओर हम हाथ फेर देते हैं। इसके बाद टेम्परेचर बटन जो है उसको स्टार्ट कर देते हैं तो ये प्रिंटिंग चालू हो जाता है। और इसके बाद हम जब इससे बीप का आवाज आता है तो बाहर निकालते हैं। इसके बाद ऊपर वाला जो फोटो डाले थे वो हटाते हैं तो इसका फोटो जो है पेपर का फोटो उसमें ट्रांसफर हो जाता है। इसके बाद देखिए अब आपको हम प्लेट पे प्रिंट करके बताते हैं। तो प्लेट पे भी प्रिंट करने के लिए आपको 195 डिग्री टेम्परेचर सेट करना है और टाइमिंग में 6 मिनट सेट करना है। जब आप सेट कर देते हैं इसके बाद जो है हीट बटन पे क्लिक करना है। जब तक आप हीट बटन पे क्लिक करते हैं तब तक इसमें फोटो लगा लेते हैं, हम जो भी फोटो इसे प्रिंट करना चाहते हैं वो फोटो लगा देते हैं। तो देखिए दोस्तों ये प्लेट है, इसके बाद ऊपर से हम नीचे फोटो था ऊपर से प्लेट डाल दिए। इसके बाद उसमें जो है हम
टेप लगा रहे हैं ना, ये जो है टेप है, सब्लिमेशन टेप है। सब्लिमेशन टेप जो होता है ये ज्यादा टेम्परेचर पर भी नहीं जलते हैं। तो दोस्तों ये टेम्परेचर आप इससे ज्यादा भी सेट करते हैं सकते हैं, इससे कम भी सेट करते हैं। यही आपको जो है टाइम सेट करना होगा इसके अकॉर्डिंग। हम 195 डिग्री पे यहाँ सब टेम्परेचर पे सब प्रिंट करेंगे तो उसका जो है टाइम अलग अलग होगा। आप जिस भी टेम्परेचर पे प्रिंट करना चाहते हैं उसका टाइम अलग होगा। देखिए इसमें डाल दिए, इसके बाद सिलिकॉन शीट जो वो सफेद वाला है उसको गिरा के और इसके बाद वैकम बटन दबाते हैं तो सिलिकॉन शीट नीचे की ओर चला जाता है। तो चारों ओर जो है हम हाथ फेर देते हैं ताकि वो सही से सिलिकॉन शीट उसमें सट जाए। जब वो सट जाता है इसके बाद मशीन को हम बंद करके और ये स्टार्ट करते हैं, यानी उसे चालू करते हैं। तो ये टाइमिंग बटन पे क्लिक करते हैं तो मशीन स्टार्ट हो जाता है, प्रिंटिंग होने लगता है। इसके बाद जब उससे मशीन से बीप का आवाज आता है, यानी 6 मिनट जब पूरा हो जाता है 0 सेकंड पे आता है, तो उससे हम बाहर निकाल के देखते हैं। देखिए ये निकाले, इसके बाद जो है ऊपर वाला पेपर निकाले तो पूरा हट गया। अब आपको फोटो ग्लास फ्रेम पे आपको प्रिंट करके दिखाते हैं। तो इसी तरह से जैसे आप टेम्परेचर सेट किए तो इसी तरह से यहाँ भी हम 195 टेम्परेचर सेट करेंगे और 7 मिनट इसमें सेट करेंगे। तो इसमें 7 मिनट सेट कर देंगे और तब तक हीट बटन पे क्लिक कर देंगे ताकि वो जब तक गर्म होता है तब तक यहाँ हम फोटो जो है इसमें लगा लेते हैं। देखिए आपको हम ये फोटो लगा रहे हैं यहाँ और टेप इसमें चिपका देते हैं ताकि उसमें डालने के बाद ये निकले ना। देखिए हम लगा रहे हैं इस तरह से, आपको भी लगाना है इस तरह से लगाइए ताकि इसे बाहर नहीं निकल पाए और इधर उधर नहीं हो। नहीं तो अगर आप इधर उधर हो जाता है तो पिक्चर क्वालिटी जो है हो सकता है स्क्रेच पिक्चर में लगा हुआ बाहर निकलेगा। तो इसी तरह से फिर इसमें डालना है, डालने के बाद उस सिलिकॉन शीट को नीचा गिराना है। सिलिकॉन शीट को नीचा गिराने के बाद वैकम बटन जो है राइट साइड में ऊपर ऊपर में दूसरा नंबर में उसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद वो जो सिलिकॉन शीट जो है वो कूल डाउन हो जाता है। इसके बाद उस पर हाथ फेर देना है, इस तरह से हाथ फेरना है ताकि पूरा जो भी वो प्रोडक्ट हम डालें इसमें प्रिंट करने के लिए उसके पूरे स्पर्श हो जाए। और इसके बाद जो है टाइमिंग बटन पे क्लिक करते हैं। टाइमिंग बटन पे क्लिक करने के बाद इस तरह से जो है टाइम जब 0 सेकंड पे आ जाता है, यानी जब इसमें पूरा जो टाइम पूर जाता है 7 मिनट, तो इसके बाद बाहर निकालते हैं उसका पेपर निकालते हैं तो इसमें प्रिंट हुआ रहता है। दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि व्हाइट मग किस तरह से पेंट किया जाता है। तो इसके लिए ये जो लगा हुआ है ऊपर से वो खोल के और बाहर निकाल दिया जाता है व्हाइट मग प्रिंटिंग के लिए। देखिए हम इसको खोल के और बाहर निकाल लिए हैं और अब इसमें जो है व्हाइट मग प्रिंट करेंगे। तो देख रहे हैं दोस्तों ये जो है व्हाइट मग है। यहाँ टेम्परेचर पहले सेट करना है 195 डिग्री और इसका टाइमिंग जो है 14 मिनट्स यानी 14 मिनट सेट करना है। इसके बाद जो है इस मशीन को हीट होने के लिए हीट बटन पे प्रेस कर देना है। जब तक हम मग पे जो है पेपर लगा देते हैं, सॉरी फोटो लगा देते हैं, तब तक वो मशीन जो है हीट हो रहा है। जब मशीन 195 डिग्री पे हीट हो जाएगा तब उसमें हम ये मग रखेंगे। जितने भी हम प्रोसेस किए हैं सब में 195 डिग्री पे किए हैं, तो सबको जब 195 डिग्री टेम्परेचर पूरे जाता है इसके बाद ही आपको रखना है। दोस्तों देखिए इस तरह से हम लगा दिए और ऊपर से कुछ जो है सेफलॉन पेपर वो होता है ये अच्छा क्वालिटी का प्रिंट निकलने के लिए इसको लगाया जाता है। ये जो है अटैचमेंट हो गया एक तरह से। देखिए इसमें हम जितने भी कप डालना चाहते हैं वो डाल दिए हैं। इसके बाद ऊपर से जो है वो उसको नीचा गिरा दिए और मशीन का जो टाइमिंग बटन है उस पर क्लिक कर देते हैं। टाइमिंग बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद जब ये टाइम पूरा होता है यानी 14 मिनट पूरा हो जाता है यानी 0 सेकंड पे आता है, तब इसको खोलते हैं और इसका जो इसमें जो कप दिए थे वो सॉरी मग दिए थे वो निकाल के और खोल कर देखते हैं प्रिंट हुआ कि नहीं। देखिए अब आपका जो है इस पे प्रिंट हो गया होगा। देखिए देखिए प्रिंट हो चुका है, यानी फोटो का जो इमेज होता है वो ट्रांसफर हो जाता है। तो देखिए इस तरह से आप इसका भी प्रिंट कर सकते हैं। चलिए अब आपको बता देते हैं शॉट ग्लास पे प्रिंट करने का। देखिए इसके लिए भी वैसे ही आपको टेम्परेचर 195 और समय जो है 7 मिनट इसमें सेट करना है। इसके बाद हीटिंग बटन पे क्लिक करना है यानी प्रेस करना है। हीटिंग बटन पे जब प्रेस कर देते हैं इसके बाद तब तक जब तक वो मशीन गर्म होता है तब तक हम यहाँ जो है इसमें फोटो लगा लेते हैं शॉट ग्लास में। देखिए इस तरह से जिस तरह से आप पहले फोटो लगाए हैं इसी तरह से यहाँ भी फोटो लगाना है। इसके बाद ऊपर से
टेप लगा देना है, सबलिमेशन टेप। दोस्तों जैसा कि हम आपने पहले आपको पहले बताया है, सबलिमेशन टेप जो है ऐसा टेप है जो ज़्यादा टेम्परेचर पे भी नहीं जलता है। देखिए इस तरह से वो उसका अटैचमेंट है, उसमें हम लगा देते हैं। इसमें देखिए इस अटैचमेंट में 7 पीस जो है हम एक बार में प्रिंट कर सकते हैं। तो इसमें हम 4 टो डाले हैं। इस तरह से ऊपर का जो है ढक्कन उसमें लगा दिया जाता है और उस मशीन में डाल दिया जाता है। डालने के बाद जो है मशीन को स्टार्ट करेंगे, जब उसका 195 टेम्परेचर सेट हो जाएगा, इस पहुंच जाएगा, इसके बाद उसमें हम डालेंगे। देखिए देखिए ये आ गया 195 पे। अब हम इसमें डालते हैं, अब ऊपर से जो वो वाला है पाइप उसमें लगा देते हैं हम उसको। इसके बाद देखिए आगे का प्रोसेस, देखिए अब हम इसमें जो टेम्परेचर था वो स्टार्ट कर दिए हैं, यानी मशीन को स्टार्ट कर दिए हैं, और नीचा यानी टाइमिंग स्टार्ट कर दिए हैं। टाइमिंग स्टार्ट करके और उसको नीचा गिरा के टाइमिंग पे क्लिक करते हैं तो वो टाइमिंग स्टार्ट हो जाता है, यानी प्रिंट होने लगता है। इसके बाद उसको बाहर निकालते हैं जब 7 मिनट पूरा जाता है। इसके बाद तब उसको जब खोलते हैं तो उस पर प्रिंट हो चुका रहता है। तो दोस्तों अब देखिए अब हम इसको खोलते हैं। तो दोस्तों इसी तरह से आप प्रिंट कर सकते हैं। आप टेम्परेचर के अनुसार इसमें टाइम सेट करना होता है, तो आप जहाँ से मशीन लेंगे वहाँ आपको ट्रेनिंग पूरा दे दिया जाएगा कितना टेम्परेचर पे आपको कितना टाइम सेट करना होगा। दोस्तों ज़्यादा टेम्परेचर पे कम समय लगेगा लेकिन उसका क्वालिटी अच्छा नहीं होगा। दोस्तों आप जहाँ से मशीन लेंगे वहाँ आपको इसका ट्रेनिंग दे दी जाएगी। दोस्तों चलिए अब आपको प्रूफ दिखा देते हैं कि आप उस प्रोडक्ट को कितना में प्रोडक्शन कर सकते हैं, यानी तैयार कर सकते हैं, और मार्केट में कितना में सेल करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए हम अमेजोन साइट पे आए हैं। देखिए इसका URL www.amazon.in इस पे आए हैं और यहाँ जो है हम खोले हैं, है ना, सेरामिक प्रिंटेड प्लेट। इसको जब आप खोलेंगे तो ये आता है, देखिए नीचे यहाँ जो प्लेट है इसका 699 रुपया प्राइस है 2 पीस का। इस प्लेट को आप 150 से 175 रुपया में तैयार कर देते हैं, जिसका प्राइस आपको जो है 699 रुपया है। यानी 2 ठो प्लेट अगर आप तैयार करेंगे तो लगभग 300 में आप इसका जो है प्रोडक्शन कर देंगे, यानी तैयार कर देंगे। इसमें जैसे कि 4 से 5 रुपया आपको प्रिंटिंग खर्च लगता है, और इसके बाद 140-145 रुपया आपको जो है ये ब्लैंक प्लेट मिल जाता है। इसी तरह से ये भी वही है, 140-145 रुपया में ब्लैंक प्लेट मिल जाएगा, और इसमें 4 से 5 रुपया प्रिंटिंग कॉस्ट लगेगा, और इसे आप जो है 599 में यानी 600 में 200 सेल हो रहा है, यानी 300 में आप 1 ठो सेल कर सकते हैं। देखिए आप कितना प्रॉफिट कर सकते हैं। नीचा देखिए ये 1480 रुपया का ये मग है। दोस्तों वो सिंपल मग नहीं है, ये दूसरा मग है। इस मग का नाम है मैजिक ट्रांसफॉर्मिंग मग। इसका खासियत क्या है, देखिए ये जब खाली रहता है, इसमें जब कुछ नहीं डाले रहते हैं, तो वो ब्लैक कलर का या फिर इसमें जो भी प्रिंटेड रहता है इस पे फोटो या फिर जो भी रहता है वो नहीं दिखता है। जब उस कप में हम कोई भी चीज़ कॉफ़ी चाय या फिर कुछ भी डालते हैं तो उसका जो प्रिंटेड रहता है फोटो वोटो चाहे जो भी हो वो दिखने लगता है। तो ये है इसमें इसका खासियत, इसीलिए इसका प्राइस इतना है। ये जो है आप अप्रोक्स आपको 200 से 250-300 अच्छा क्वालिटी का 300 में आपको मिल जाएगा ब्लैंक मग, और इस पे प्रिंटिंग कॉस्ट आपको 500 से 600 रुपया लगेगा। यानी अगर अच्छा क्वालिटी का, बहुत अच्छा क्वालिटी का आपको मिल जाएगा 300 में, और 500 से 600 रुपया लगेगा इसमें प्रिंटिंग खर्च, 306-307 रुपया आपको इसमें इन्वेस्ट होगा। और आप देखिए कितना में सेल कर सकते हैं, 1480-1118, है ना, इस तरह से आप इतना में प्रिंट करके और सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब आपको बता देते हैं कि इसका मार्केटिंग कैसे करना। मार्केटिंग आप ई कॉमर्स साइट पे सेल कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने एरिया में जहां आप ये काम जहां से स्टार्ट करना चाहते हैं वहां कोई जो है आता है, उनको कस्टम प्रिंटिंग करके आप देकर और उसे देते हैं। यानी वो बोलेगा जो मेरा अपना पिक्चर जो है इस चीज़ पे प्रिंट करवाना है, उसको प्रिंट कीजिए और आप अपने हिसाब से उससे पैसा लीजिए। तो दोस्तों जहाँ तक बात है इसमें इन्वेस्ट की, तो इन्वेस्ट लगभग आपको 40 से 50 हज़ार रुपया टोटल इन्वेस्ट हो जाता है, जिसमें 20 हज़ार का आपको 3D सब्लिमेशन मशीन आएगा, 20 हज़ार का 3D सब्लिमेशन प्रिंटर आएगा, लगभग 10 हज़ार का रॉ मटेरियल आएगा, लगभग 50 हज़ार रुपया इसमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और अगर आप ई कॉमर्स साइट पे इस पे सेल करना चाहते हैं तो आपको लगभग 8 से 10 हज़ार का इसका लाइसेंस बनवाना होता है इस पे रजिस्टर करने के लिए। तो ये सब आप करने के लिए लगभग
60,000 रुपया अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो पूरा चीज आप कर सकते हैं, यानी ऑनलाइन भी आप अपना प्रोडक्ट अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे और भी कई तरह का ऑनलाइन शॉपिंग साइट है उस पर सेल कर सकते हैं। तो दोस्तों अगले वीडियो में हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से लाइसेंस बनवाना होगा इस सब साइट पे, यानी ई कॉमर्स साइट पे सेल करने के लिए। तो दोस्तों और भी मार्केटिंग आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।